मास जो है अर्जित कर दिए जाए। इसके बाद अगला प्रश्न है, ये अप है चार, ये टीम नंबर पांच के लिए प्रश्न है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इस गीत के रचयिता कौन थे? पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। बिल्कुल सही उत्तर है, राम प्रसाद बिस्मिल, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का ये मशहूर गीत। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। सचदेवा जी, ये टीम नंबर पांच की शिकायत है कि शायद इनका बजर काम नहीं कर रहा है, क्या इसको चेक कर सकते हैं एक बार? हो रहा है जी, आपका बजर चल रहा है, समय के हिसाब से आता है। टीम नंबर सिक्स के लिए ये प्रश्न है स्क्रीन के ऊपर, लक्ष्मीबाई का जन्म किस नगर में हुआ था? स्थान का नाम बताना, शहर का नाम। झांसी गलत उत्तर है, टीम टू के पास ये प्रश्न चला गया। बिल्कुल सही उत्तर है बनारस, वाराणसी, काशी के नाम से जिसे जाना जाता है। पांच बोनस अंक जो है टीम दो के खाते में। अब इसी राउंड का प्रश्न जो है टीम नंबर एक के लिए, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया? इल्तुतमिश। बिल्कुल सही उत्तर है इल्तुतमिश, तुरंत जवाब, 10 अंक टीम नंबर एक के खाते में। इसके साथ ही हमारा ये जो दूसरा राउंड है ये यहीं पर समाप्त हो गया। अब अगला राउंड ज्योग्राफी का राउंड है, भूगोल का राउंड, इसको शुरू करेंगे हम टीम नंबर तीन के साथ। और इनका पहला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कृषि कार्यों में कार्यरत जनसंख्या का क्या प्रतिशत था? परसेंटेज ऑफ पीपल इन्वॉल्व्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, प्रतिशत बताना है। 64.3%। ये गलत उत्तर है 64%। ओपन फॉर बाजार नाउ, नो रिस्पॉन्स। द करेक्ट आंसर इज 56.6%, 56.6%, 56.6। नाउ मूव ऑन टू टीम नंबर फोर फॉर देयर क्वेश्चन इन ज्योग्राफी। मैटूर बांध, सॉरी ये क्वेश्चन पास कर दिया जाए, ये पहले आ चुका है ये क्वेश्चन। इससे अगला प्रश्न, मैटूर बांध किस नदी पर बना है? नदी का नाम बताना है आपको। बेटे अब उधर ध्यान दो, इधर नहीं देखना। नर्मदा। नर्मदा गलत उत्तर है। ओपन फॉर बजर नाउ, एनी रिस्पॉन्स ऑन द बजर? नो रिस्पॉन्स। स्क्रीन पर सही उत्तर लाया जाए, इसका सही उत्तर है कावेरी नदी, कावेरी नदी पर ये मैटूर बांध जो है बना है। टीम नंबर पांच के लिए अब प्रश्न जो है, एलिफेंटा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? एलिफेंटा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है, राज्य का नाम बताना है। उत्तराखंड गलत जवाब है। क्वेश्चन इज ओपन फॉर टीम वन, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। पांच बोनस अंक जो है टीम नंबर एक के लिए। अब टीम नंबर छह के लिए प्रश्न है, गुजरात राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है, आपको उसकी लंबाई बतानी है, कितनी लंबाई है? 1660 किलोमीटर। गलत उत्तर है, ओपन फॉर बजर नाउ, 1660 इसका सही उत्तर नहीं है। नो बजर, इसका सही उत्तर है 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर। इसके बाद टीम नंबर एक के लिए इस राउंड का प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है? गलत उत्तर है, क्वेश्चन पासेस फॉर बजर, एनी रिस्पॉन्स ऑन द बजर? नो, द राइट आंसर इज द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क।
इसके बाद टीम नंबर दो के लिए इस राउंड का क्वेश्चन है, भारत के तांबे के प्रमुख भंडार किस स्थान पर हैं? टीम नंबर दो को ये उत्तर देना है। राजस्थान गलत उत्तर है। क्वेश्चन पासिस फॉर बजर, एनी रिस्पॉन्स? बजर, नो रिस्पॉन्स। राइट आंसर इज हजारीबाग और सिंहभूमि, झारखंड में ये दोनों स्थान है, हजारीबाग और सिंहभूमि। टीम नंबर तीन के लिए प्रश्न जो है, विच माउंटेन पास लिंक्स श्रीनगर टू लेह? ये स्क्रीन पर नहीं आ रहा ये प्रश्न, आप बताइए इसका उत्तर। विच माउंटेन पास लिंक्स श्रीनगर टू लेह? कौन सा पास श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, इसका नाम बताना है। जोजिला पास, बिल्कुल सही उत्तर है। 10 अंक टीम नंबर तीन के खाते में। नेक्स्ट राउंड में चलते हैं। मैं नेक्स्ट राउंड का संचालन करने के लिए मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं श्री राकेश सचदेवा जी, राष्ट्रीय मंत्री, जिन्होंने बहुत मेहनत के साथ ये सारा कुछ तैयार किया। ये हम सब जो आपके सामने दिखा पा रहे हैं, ये सब उनकी और उनके साथ श्री वत्स जी जो हैं आए हुए, उनकी मेहनत का परिणाम है। तो जोरदार तालियां बजा करके श्री राकेश सचदेवा जी उनका मंच पर अभिवादन करें और इस प्रतियोगिता को अंतिम मकाम तक वो लेकर के जाएंगे और इस बात का फैसला होगा कि कौन सी टीम जो है इनमें से आगे क्षेत्रीय उसमें जाएगी। धन्यवाद। अब स्पोर्ट्स का राउंड हम टीम एक से शुरू करेंगे। टीम फोर से करें, चलो टीम फोर क्वेश्चन दिखाइए एक बार फिर, डबल क्लिक एक बार फिर। 2017 में हॉकी के किस खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था? सरदार सिंह। सरदार सिंह करेक्ट आंसर फॉर 10 मार्क्स टू टीम नंबर 4। टीम नंबर 5, केरल में नौका दौड़ में सबसे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठित नौका दौड़ कौन सी है? टीम नंबर 5, 20 सेकेंड, टाइम इज ओवर। टीम 2, वल्लभ कली करेक्ट आंसर। इसमें इसको नेहरू बोट रेस से भी जाना जाता है टूर्नामेंट को। टीम नंबर 6, एक दिवसीय महिला क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन सी है? मिताली राज। मिताली राज करेक्ट आंसर, 10 मार्क्स टू टीम नंबर 6। टीम नंबर 1, हु इज द प्रेजेंट कैप्टन ऑफ इंडियन वुमेन हॉकी टीम? टीम नंबर 1 नहीं आता, 20 सेकेंड सोचिए। टीम नंबर 4, रानी रामपाल 5 बोनस मार्क्स टू टीम नंबर 4। टीम नंबर 2, फीफा जूनियर वर्ल्ड कप 2017 में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के कप्तान कौन थे? वो वाज द कैप्टन ऑफ
इंडियन अंडर 17 टीम इन फीफा वर्ल्ड कप नो रॉन्ग आंसर कैन बी टेकन ऑन बजर टीम सिक्स बीजिंग भुटिया नो माइनस फाइव योर टीम अमरजीत सिंह के यहां वॉज द राइट आंसर टी नंबर थ्री आपका क्वेश्चन ईडन गार्डन भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम इसको पहले किस नाम से जाना जाता था भारत के एक बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी हुए हैं उनके नाम से रॉयल क्रिकेट स्टेडियम नो रॉन्ग टीम वन रणजी स्टेडियम बिल्कुल सही फाइव बोनस मार्क्स टू टीम नंबर वन नाउ वी मूव टू स्कोर फर्स्ट बी अनाउंस्ड इसके बाद हम बजर राउंड पे जाएंगे टीम नंबर वन इज लीडिंग 40 पॉइंट्स टीम नंबर टू 25 पॉइंट्स टीम नंबर थ्री 25 अगेन टीम नंबर फोर 15 miscellaneous miscellaneous and yeah please continue team number 5 20 points and team number 6 with 5 points now this is open round the questions shall be taken on buzzer by any team by fastest finger the first question dikhaiye डिजिटल लेन देन के बारे में भारत सरकार द्वारा एक चैनल शुरू किया गया है उस चैनल का नाम क्या है विच चैनल हैज बीन स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट फॉर डिजिटल पेमेंट्स मेकिंग अवेयरनेस ट्रेनिंग तो इट इज डीजी शाला सेकेंड क्वेश्चन सरदार सरोवर बांध से कितने राज्यों को लाभ मिला सरदार सरोवर बांध से कितने राज्यों को फायदा पहुंचा है सिर्फ आपने संख्या बतानी है नो प्लीज आंसर दिखाइए इट्स फोर सरदार सरोवर बांध से सिंचाई और पीने के पानी के लिए चार राज्यों को फायदा पहुंचेगा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से मिसाइल परीक्षण केंद्र का नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है मिसाइल टेस्टिंग रेंज जिसे डीआरडीओ मिसाइल टेस्ट करते हैं उनका नाम डॉक्टर एपीजे मिसाइल मैन के नाम पर रखा गया है कोई टीम नहीं दिखाइए इसका आंसर इट इज व्हीलर आइलैंड नेक्स्ट मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य क्या है भारत सरकार द्वारा एक मिशन इंद्रधनुष चलाया गया है इसका उद्देश्य क्या है टीम टू के बीच टीकाकरण वैक्सीनेशन प्रोवाइड करवा कंप्लीट कर दो ठीक है आपका अवेयरनेस अबाउट द वैक्सीनेशन अमंग द मसल्स यस दो से दो साल तक के बच्चों का सामूहिक टीकाकरण हिमाचल प्रदेश के कितने बहादुर सैनिकों को परमवीर चक्र प्राप्त हुआ है उसमें से एक मैं आपको बता देता हूं मेजर सोमनाथ शर्मा प्रथम विजेता और कितने हैं आप बताएंगे हिमाचल प्रदेश के कितने वीर सैनिकों को परमवीर चक्र से नवाजा गया है नहीं
तीन मेजर सोमनाथ शर्मा, विक्रम बत्रा और सिपाही संजय कुमार। अब नेक्स्ट स्कोर बता दीजिए। इसके बाद साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, स्कोर टीम नंबर वन के हैं 40 पॉइंट्स, टीम नंबर टू 35, वेरी नियर, टीम नंबर थ्री 25, टीम नंबर फोर 15 पॉइंट्स, टीम नंबर फाइव के हैं 20 एंड टीम नंबर सिक्स के हैं 5 पॉइंट्स। ये विज्ञान, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, प्राचीन किस प्राचीन भारतीय द्वारा रस रत्नाकर में धातुओं के निष्कर्षण का वर्णन किया गया है? मेटलर्जिकल प्रोसेसेस। वेदों में विज्ञान हम पढ़ते हैं, प्राचीन भारत में विज्ञान बहुत ही प्रगति पर था, हमारे वेदों में ऐसा वर्णन है। नहीं जी, दिखाइए आंसर। ये नागार्जुन, फादर ऑफ मेटलर्जी केमिस्ट्री, ये भारतीय एंशिएंट नागार्जुन। नेक्स्ट, 500 किलोमीटर से अधिक दूरी तक मार्च करने वाली भारत की अंतर महाद्वीपीय इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल कौन सी है जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर से ज्यादा है? टीम वन, बोलिए, नहीं तो माइनस फाइव। यस करेक्ट, अग्नि फाइव। 10 मार्क्स टू टीम नंबर वन। कर रहे थे ना, ऐसे माइनस फाइव हो जाने थे अगर ना बोलते तो। नेक्स्ट, प्राचीन भारत का सबसे बड़ा चिकित्सक किसे माना जाता है? टीम फोर, सुश्रुत, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, टीम वन, करेक्ट आंसर। 10 मार्क्स टू टीम नंबर वन। पाइथागोरस का सिद्धांत प्राचीन बोधायन ने बहुत सदियों पहले बता दिया था, जो अब हम पाइथागोरस के नाम से पढ़ते हैं। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ 6th सेंचुरी टेक्स्ट वैशेषिक सूत्रा दैट डिपिक्स एटॉमिक थ्योरी? एटॉमिक थ्योरी, टीम टू, यस करेक्ट आंसर, महर्षि कणाद। तालियां कम। इसके साथ हमारा ये विज्ञान का राउंड समाप्त होता है। पिक्चर राउंड, इसमें आप पिक्चर्स दिखाएंगे, ऑडियंस से मेरा निवेदन, पिक्चर देखने के बाद कृपया मन में ही उसका आंसर रखिए, क्योंकि पहचान अपने मन में। हाँ, उतनी देर स्कोर बता दो। टीम वन इज लीडिंग विद 60 पॉइंट्स, टीम टू इज सेकंड विद 45 पॉइंट्स एंड टीम थ्री 25 पॉइंट्स, टीम फोर 25 अगेन, टीम फाइव के हैं 20 पॉइंट्स एंड टीम सिक्स 5 पॉइंट्स। अभी भी 50 अंक का मार्जिन है, कोई भी टीम अर्जित कर सकती है। हाँ जी, इन्हें पहचानिए, भारत का गौरव। टीम टू, एयर मार्शल अर्जुन सिंह, बिल्कुल, तालियां। भारत के एकमात्र एयर मार्शल। नेक्स्ट, टीम टू, दीपा कर्माकर, यस करेक्ट, 10 मार्क्स टू टीम नंबर टू। नेक्स्ट, टीम वन, बजरंग पुनिया, रेसलर है ये। नेक्स्ट, टीम वन, मिल्खा सिंह, फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है इनको।
Next. Team 6. Team 6. Captain Vikram Batra. जिसने कहा था या तो मैं तिरंगा लहरा के आऊंगा नहीं तो तिरंगे में लिपट कर आऊंगा. तिरंगा लहराया भी और तिरंगे में लिपट कर दिया है. गर्व है हमें ऐसे वीरों पर. इसके साथ हमारा ये राउंड समाप्त होता है. फाइनल स्कोर के लिए फाइनल स्कोर्स टीम नंबर वन नंबर वन पर है विद 80 पॉइंट्स. टीम नंबर टू पर है विद 65 पॉइंट्स. टीम नंबर थ्री और फोर के बीच में टाई है 25 मार्क्स पर है दोनों. टीम नंबर थ्री एंड फोर. टीम नंबर फाइव के हैं 20 अंक और टीम नंबर सिक्स के हैं 15. थ्री और फोर इनको जॉइंट विनर थर्ड प्लेस डिक्लेयर करते हैं. थर्ड प्राइज जॉइंटली इनको दिया जाएगा. फर्स्ट है कैथल की टीम, सेकंड अंबाला सिटी एंड थर्ड है जॉइंट घरौंडा और अंबाला कैंट से. ये था हमारा प्रयास बच्चों को भारत को जानो प्रतियोगिता में लेके आने का. मकसद आपको समझ आ गया. सभी को बहुत बहुत बधाई. जैसे मैंने पहले भी कहा था ये सभी बच्चे विजेता हैं. सिर्फ हमने एक टीम कुरुक्षेत्र के लिए चुननी थी लेकिन बाकी सभी पार्टिसिपेंट विजेता हैं. हमारे उद्देश्य के विजेता हैं. बहुत बहुत